हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी ये ब्रेड का मीठा बनाएंगे आज हम बहुत कम सामान में झटपट से ये बनके तैयार हो जाता है और टेस्ट में तो इतना बढ़िया होता है फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताऊँ तो चलिए फ्रेंड्स इस मज़ेदार से मीठे को कैसे बनाना है देख लेते हैं सबसे पहले मैंने ये चार पाँच ब्रेड के स्लाइसिस ले लिए थे और इनको चकोर शेप में मैंने कट कर लिया है एक ब्रेड के चार पीस कर लिए हैं मैंने इस तरीके से और इसकी साइड्स मैंने नहीं हटाई हैं अब मैंने एक पैन ले लिया है उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं और इसके अंदर मैं इनको फ्राई कर लूँगी ब्रेड के स्लाइसिस को और ज़्यादा हमें गोल्डन नहीं करना है बस लाइट लाइट कलर का हमें इसको फ्राई करना है अब हम इसको पलट लेंगे लाइट गोल्डन होने पर अगर हम इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये सख्त हो जाएगा इसलिए हमें ज़्यादा इसको हार्ड नहीं करना है तो बस हम लाइट लाइट गोल्डन इसको निकाल लेंगे हल्का सा कलर आने पर अब जिसी पैन में मैंने ऑयल जो बच गया था उसको हटा लिया है और उसके अंदर मैंने डाल दिया है दो कप दूध इसमें हम एक बॉइल आने देंगे और इतने इसमें बॉइल आ रहा है हम ले लेंगे एक बोल और उसमें ले लूँगी मैं एक चौथाई कप दूध ये मैंने एक चौथाई कप दूध ले लिया है और दो चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी कस्टर्ड पाउडर का ये मैंने ठंडा दूध लिया है अगर हम गरम दूध लेते हैं तो उसमें कस्टर्ड के लम्ब बन जाते हैं इसलिए मैंने ठंडे दूध में इसको डाल दिया है और आप देखिए कितना बढ़िया ये लिक्विड बन के तैयार हो गया है लम्स बिल्कुल नहीं है इसके अंदर अब इसे हम देखिए ये एक बॉइल आ गया है दूध के अंदर अब बॉयल आने के बाद हम इसमें कस्टर्ड का जो हमने लिक्विड तैयार करा है ये डालेंगे और हमें चलाते हुए डालना है दूध को चलाते रहना है एक हाथ से वरना इसमें लम्स पड़ सकते हैं ये देखिए है। कितना बढ़िया से ये बन के तैयार है अब इसको हम तीन से चार मिनट के लिए पकाएंगे अब मैं इसमें डाल दूंगी चीनी ये मैंने छः चम्मच चीनी डाली है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको मीठा पसंद हो अब इसको तीन से चार मिनट हम अच्छे से पकाएंगे ज़्यादा हमें इसको नहीं करना है क्योंकि जो ब्रेड है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती है तो ये तीन से चार मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं ये देखिए है, इस तरीके से हमें बनाना है इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम आप चाहे किसी भी डिश में जिसमें आप चाहे निकालना चाह चाहते हैं उसमें निकाल सकते हैं अब इसके अंदर जो हमने ब्रेड के स्लाइसिस फ्राई करे थे वो डाल देंगे मैं पूरा डिप नहीं कर रही हूँ अगर आप चाहें तो इसको पूरा डिप भी कर सकते हैं मुझे थोड़ा क्रंची पसंद है इसलिए मैं हाफ़ डिप कर रही हूँ आप पूरा भी कर सकते हैं इस तरीके से मैं सारे ब्रेड के स्लाइसिस के अंदर डाल दूँगी फ्रेंड्स आपको ज़रा भी मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो आप ज़रूर लाइक शेयर करिएगा और अगर आपको पसंद नहीं है आप तो डिसलाइक भी कर सकते हैं इससे मुझे पता चलेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तो फ्रेंड्स ये मैंने सारे ब्रेड के स्लाइसेस डाल दिए हैं और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है ये ड्राई फ्रूट्स आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप डाल सकते हैं मैंने बादाम काजू किशमिश डाली है आप जो भी पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा बढ़िया सा ब्रेड का झटपट वाला मीठा बन के रेडी है ये बहुत मज़े का बनता है बहुत टेस्टी बनता है आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स आपको बहुत पसंद आने वाला है तो फ्रेंड्स मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय बाय मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ